तो ये है परल वर्कशॉप। अभी यहाँ पे मूर्तियों का काम चालू है। यहाँ पे कुछ ट्रॉली भी आ चुकी है, आप देख सकते हैं खेतवाड़ी गली नंबर 7 की ये ट्रॉली लग चुकी है। और इसके बाद यहाँ पे मलाड़चा राजा का भी ट्रॉली लग चुका है। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में आपको लेके चलने वाला हूँ परल वर्कशॉप और विजय खाटू आर स्टूडियो में। तो चलिए चलते है। ये जो रास्ता है यही जाएगा सीधा, और यहाँ से लेफ्ट मारने के बाद हम पहुँच जाएंगे परल वर्कशॉप में। आपको लेफ्ट लेना रहेगा। यहाँ से आगे बढ़ता हूँ और सबसे पहले चलेंगे अपन परल वर्कशॉप में, उसके बाद विजय खाटू वर्कशॉप में भी विजिट करेंगे। दोनों जगह से क्या अपडेट है वो अपडेट मैं आपको आगे वीडियो में देने वाला। जगह देख रहे हैं, भले ही आपको भी खाली दिखता होगा, लेकिन जैसे ही सीजन आता है गणपति का पूरा भर जाता है ये जगह। यहाँ पे आपको DJ और उसके बाद ढोल वगैरह सब दिखेंगे, ढोल ताशे। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको गणपति मंडप के अलग अलग ट्रॉलियाँ भी देखने को मिलेंगी। चलिए अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले चलते हैं परल वर्कशॉप, जो कि इसके बगल में ही है। तो ये है वर्कशॉप का एंट्री गेट। अभी अंदर एंट्री करते ही आप देख सकते हैं पूरा खाली है, लगभग बहुत सारी मूर्तियों का काम बाकी है। और यहाँ पे एक ट्रॉली आया है। यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं मलाड़चा राजा का भी ट्रॉली आ चुका है। और यहाँ पे ये है खेतवाड़ी गली नंबर 7 का भी ट्रॉली लग चुका है, डेकोरेशन के साथ यहाँ पे रेडी है ट्रॉली। मतलब इनका बहुत जल्दी ही आगमन होने वाला है ऐसा लग रहा है। जैसे कि आपने परल वर्कशॉप देख ही लिया होगा, अभी मूर्तियाँ प्रॉपर रेडी नहीं हुआ है। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ विजय खाटू स्टूडियो वर्कशॉप में, जो कि परल वर्कशॉप से थोड़ी सी दूरी पे है। यहाँ से सीधा जाने के बाद हमको वो मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अभी विजय खाटू में, वहाँ पे देखते हैं कितनी मूर्तियाँ तैयार हुई है। तो वहाँ चल के ही देखने को मिलेगा अपने को। तो चलिए चलते हैं अभी वहाँ। यहाँ सामने अरुण दत्ते मूर्तिकार का आपको डिटेल मिल जाएगा, तो आप यहाँ से डिटेल उनका ले सकते हैं। आप गेट देख सकते हैं, ये वही गेट है जहाँ से काफ़ी सारी मूर्तियों का आगमन होता है। तो देख सकते हैं फिलहाल गेट बंद है, तो चलिए वो गेट से चलते हैं अंदर के साइड। जब सामने रास्ता देख रहे हैं, जो सामने का जगह देख रहे हैं, यहीं से सारी मूर्तियों का आगमन होता है। यहीं पे काफ़ी सारी मूर्तियाँ आती है और यहीं से यही जगह से वो होके गुजरती है। तो आप देख सकते हैं ये जगह। इंटर कर चुका हूँ विजय खाटू स्टूडियो में। आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको लाइन से यहाँ पे काफ़ी मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। अभी कंस्ट्रक्शन चालू ही है, पर प्रॉपर मूर्ति बनी नहीं है। तो चलिए अभी आपको अंदर लेके चल के दिखाता हूँ फिर भी मैं। यहाँ पर अभी मूर्तियों के अलग अलग पार्ट बिखरे हुए हैं, मूर्तियों प्रॉपर बनी नहीं थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो तो नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे छोटी मूर्तियाँ रेडी हो चुकी है, उसका कलर फिनिशिंग भी हो चुका है पूरा। घर के लिए, सोसाइटी के लिए आप यहाँ से मूर्ति ले सकते हैं। अभी से ही आप इनका बुकिंग भी करवा सकते हैं। यहाँ आपको घर के लिए काफ़ी छोटी छोटी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ मिल जाएगी देखने को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ हैं। वर्कशॉप से विजिट करके आ चुका हूँ। अभी मूर्तियों को प्रॉपर फिनिशिंग नहीं किया गया था, तो जिसके वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि अभी तक मूर्तियों को प्रॉपर ढका नहीं गया। इसके लिए मैंने प्रॉपर पूरा वीडियो नहीं बनाया। 10-15 दिन बाद जब मूर्तियों को ढक दिया जाएगा, तो मैं फिर से जाके वीडियो बना दूंगा। जैसे कि मैं अभी दोनों वर्कशॉप विजिट करके बाहर आ चुका हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ऐसे ही ट्रेवल कॉन्टेंट आपको मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। अभी मानसून का सीजन चालू होने वाले है, तो
मानसून का भी सारा वीडियो आपको यही चैनल पे मिल जाएगा। फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए प्लेस नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।